आज मैं आप लोग के साथ जो रेमेडी शेयर करने वाली हूँ आप लोग लगा लोगे ना आपके पैर के हाथ के जो काली स्किन पड़ जाती है धूप में कई बार आते जाते हो तो आपकी स्किन ना काली पड़ जाती है पैर की हाथ की तो वो गोरा होना शुरू हो जाएंगे बस एक अप्लाई आपको करना है एक अप्लाई में आपको असर देखने को मिल जाएगा बहुत अच्छा रिजल्ट आता है आपके हाथ पैर को एकदम से चमका देने वाली है ये रेमेडी तो ज़रूर देखिएगा इस कुछ भी नहीं करना है कुछ महंगे महंगे चीज़ आपको यूज़ नहीं करनी है कुछ कहीं बाहर से नहीं खरीद के लाना पड़ता है जो आपके किचन में अवेलेबल है उसी सामान से रेमेडी बनने वाली है तो वीडियो को स्किप मत करिएगा वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप समझ में आएगा कि कैसे बनाना है कैसे अप्लाई करना है तभी आप समझ पाओगे तो फिर चलिए फिर फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले इस रेमेडी के लिए आपको क्या करना है आपको थोड़ा सा लेना है एक दो चम्मच के करीब लेना है यहाँ पर चावल का आटा तो चावल का आटा मैंने ये रेडीमेड वाला नहीं लिया है क्योंकि चावल को घर में ही दरदरा सा पीस लिया था मिक्सी में आपको पूरा बारीक सा महीन सा पेस्ट नहीं बनाना है

से दो चम्मच के करीब अपने हिसाब से आप इसका रस ऐड कर सकते हो टमाटर आपके स्किन पे ना मॉइस्चराइजर का काम करता है आपकी स्किन को निखारने का काम करता है त्वचा तो को गोरा बनाता है तो टमाटर बहुत अच्छा होता है आपके फेस के लिए आपके स्किन के लिए यहाँ पे मैंने दो चम्मच के करीब टमाटर डाल दिया था आधा लेके उसका रस निकाल के डाल दिया है तो दो चम्मच के करीब निकल गया था और यहाँ पे लेंगे दो चम्मच के ही करीब यहाँ पे मैंने पानी लिया है सिंपली पानी है ये जो आप पीने के लिए यूज करते वो पानी है आप चाहो तो यहां पे रोज वाटर भी डाल सकते हो इसमें तो सारी चीज को अच्छे से आपको क्या करना है मिक्स कर देना है मिक्स करने के बाद ये अच्छे से जब मिक्स करोगे ना तो इनो जो डाला है हमने वो अच्छे से बबल्स आना शुरू हो जाएंगे इनो इनों की वजह से तो आप अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है मिक्स करने के बाद आप जो टमाटर काट के रखा था जिसका जूस हमने निकाल लिया था वो टमाटर को लेना है उसी टमाटर के हेल्प से इस रेमेडी को अपने हाथ पे पैर पे जहाँ भी आपको यूज करना है पूरे आप बॉडी पे यूज कर सकते हो इस रेमेडी को जहाँ आपको लगे कि आप, आपकी स्किन काली पड़ रही है आपको सनटेन हो रहा है तो उस जगह पर आप इस रेमेडी को यूज कर सकते हो मैंने यहाँ पर पानी का यूज़ किया है आप चाहो तो रोज़ वाटर का भी यूज सकते हो आप चाहो तो नींबू के रस का भी यूज कर सकते हो यहाँ पे और टमाटर जो लिया है ना टमाटर की जगह पे आप नींबू भी डाल सकते हो नींबू के रस से भी आप अपने हाथ पैर में मसाज कर सकते हो तो देख सकते हो किस तरह से मसाज कर रही हूं मैं दस मिनट कम से कम आपको हाथ में रगड़ना है नहाने से पहले आप इस रेमेडी को यूज कर लोगे नहाने के बाद आपको कोई साबुन लगाने की जरूरत नहीं है आपको कुछ बॉडी लोशन वगैरह कुछ भी लगाना नहीं पड़ेगा कुछ भी यूज नहीं करना पड़ेगा आप कहीं भी जा सकते हो कहीं भी आ सकते हो ऐसे ही और बहुत अच्छी रेमेडी बहुत अच्छे से वर्क करती है आपकी स्किन पे आपको हफ्ते में कम से कम दो बार ऐसा कर लेना है दो बार में आपको बहुत ही अच्छा बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देखने को मिल जाएगा और फिर इसको ना अपने पैर पे भी अप्लाई कर सकते हो अब जैसे हाथ में आप मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे हाथ में लगा रही हूँ आप पैर में भी लगा सकते हो आपके गर्दन भी काले पड़ रहे हैं तो गर्दन में भी अप्लाई कर सकते हो इस रेमेडी को और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी वीडियो देखने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में जब तक के लिए बाय एंड Take care, thanks for watching.